नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा और मेरे YouTube चैनल लाइफ फिटनेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑटोमोबाइल पे बेस है और इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं आज कि मैंने BMW सिलेक्ट क्यों की। हालांकि मार्केट में ऑडी, मर्सिडीज, जेग्यूर ऐसी कई गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन मुझे BMW पसंद क्यों आई। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसे कुछ प्रोस और कॉन्स। तो प्रोस की बात करते हैं तो किन गुणों की वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले दोस्तों आता है इसका एक्सटीरियर लुक। आप इस गाड़ी का लुक देखना, बहुत ही चार्मिंग है। अगर ये रोड पे चली जाती है तो इतनी अच्छी लगती है। मुझे मर्सिडीज और ऑडी ये इतनी नहीं पसंद है। हाँ, हर एक का अपना अपना एक चॉइस होता है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं लूंगा, तो मैंने BMW ली। दूसरी बात है दोस्तों, इसका इंटीरियर इतना लग्जरी वाला है। यहाँ पे अगर आप अंदर बैठते हो आपको क्लीनली फीलिंग आती है। और डैशबोर्ड देख लो, आप सीट देख लो, लेदर जो यूज करते हो वो देख लो, सिस्टम देख लो, स्विचेस, क्वालिटी इसका सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसी वजह से मैंने इसको पसंद किया। तीसरी जो सबसे अहम बात है जो मेरे लिए खास है वो क्यों है, क्योंकि मैं छोटा था तब से मुझे एक ड्रीम था कि पावरफुल एक बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है। तो मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, देखा, इसको ड्राइव किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, यही बढ़िया है। मेरी गाड़ी में 320D में 177 हॉर्स पावर का 350 नॉन टॉर्क पैदा करने वाला इंजन लगा हुआ है, यानी कि इसकी पावर बहुत बढ़िया है। अब देख लीजिए, जो फॉर्च्यूनर मार्केट में भी आ रही है 2020 में, उसका जो इंजन है वो है 177 हॉर्स पावर, और ये मेरी गाड़ी है। आप सोच सकते हो वो एक SUV है, उसका वजन कितना बड़ा है, और ये एक सेडन है, इसका वजन उतना ज्यादा नहीं होता है। पावर टू वेट रेशियो एक बात जो होती है, मतलब आपकी गाड़ी का जो वजन होता है वो वजन को उसको खींचना पड़ता है। जितना पावर ज्यादा होगा लेकिन वजन कम होगा तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगा, मतलब की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, इस गाड़ी का पावर और पिकअप बहुत गजब का है। इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत बढ़िया है, हालांकि उस तक तो मैं कभी पहुंचा नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के रोड अपने ऐसे नहीं है कि वहां तक आप चला सको। हाईवे पर भी 100 की स्पीड लिमिट है। नेशनल हाईवे पे अगर एक्सप्रेस वे पे आप चले जाते हो तो वहां पे 120 की जो स्पीड लिमिट है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, लोग चलाते हैं जब तक पकड़े नहीं जाते। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो पावर है तो 8 सेकंड में ये 100 की स्पीड पकड़ लेती है, और कंपनी के हिसाब से ये गाड़ी की स्पीड होती है 25 to 23 आराम से ये चली जाती है। तो देखा आपने कि स्पीड बहुत बढ़िया है, और इसका जो हैंडलिंग और कंफर्टेबल जो एक ड्राइव पोस्चर है वो बहुत बढ़िया है। और दोस्तों इसका जो खास एक गुण है वो मुझे पसंद है, इसका ड्राइविंग डायनामिक। ये अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन है। अगर आप इसको चलाते हो तो पता चलेगा इसको चलाने में इतना मजा आता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको फील होता है, कंट्रोल पूरे आपके हाथ में रहते हैं। और हाँ, ये गाड़ी में एक बढ़िया बात ये है कि इसका जो वेट रेशियो है, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों में 50-50, यानी कि गाड़ी में वो बैलेंस करके चलते हैं। ये एक खासियत है, इसी वजह से ये गाड़ी इतनी चलती भी है, जो लोग जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी में बहुत डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये गाड़ी में मैंने सेडन ही क्यों ली, तो इसका एक कारण ये भी है, SUV वजन में ज्यादा होती है, बड़ी होती है, पावर ज्यादा होता है, लेकिन वो ग्रिप, हैंडलिंग, ड्राइविंग प्लेजर उसके लिए नहीं जानी जाती है। तो दोस्तों, जो गाड़ी चलाने में सेडन में मजा आता है वो SUV में नहीं आता है, और हैचबैक में तो बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि हैचबैक तो सिटी कम्यूट के लिए बनाई जाती है, सिटी में आप यहाँ से वहां लेके घूम सकते। हाईवे पर भी लोग चलाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है वो सेडन जितना अच्छा एरोडायनामिक नहीं देती है। एरोडायनामिक सिस्टम दोस्तों ऐसी है, जब आपकी गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर जाती है तो वो जो हवा होती है उसको उसको काटना पड़ता है, तो हवा का जो प्रेशर है वो एक अवरोध बन जाता है, तो उसके हिसाब से गाड़ी को सेफ में बनाया जाता है, तो वो सेडन में आपको मिल जाता है। जैसे कि हर एक गाड़ी का अपना एक अच्छा गुण भी होता है, वैसे उसके कुछ प्रो के साथ कॉन्स भी होते हैं। इस गाड़ी में ड्रॉबैक पॉइंट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये बहुत महंगी होती है। हाँ, देते इतनी अच्छी चीज तो महंगी तो होगी, वो हम कौन से नहीं बोल सकते, लेकिन महंगी है ये मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मेंटेनेंस सर्विस इसकी होती है 30-35 हज़ार रुपये में, अगर आप शोरूम में कराते हो तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई स्पेयर पार्ट टूट जाता है और आपको बदलना पड़ता है तो वो बहुत महंगा होता है। आप सोच भी नहीं सकते कितना महंगा होता है, खर्चा लाखों में चला जाता है। छोटी सी चीज़ अगर टूट जाती है तो 25,000-50,000 लाख रुपया वो हो जाता है। शायद इसीलिए लोग इसको कम लेते हैं, और दूसरी बात, जो लेते हैं वो साइड में एक दो कार रखते हैं, हालांकि मेरे पास भी है, क्योंकि हर जगह मैं इसको नहीं ले जा सकता। और इसका जो ड्रॉप बैक पॉइंट है दूसरा, वो इसका मेन कारण है, वो है ग्राउंड क्लीयरेंस। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस होता है 157 to 160 तक, उसमें भी अगर आप चार लोग बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन थोड़ा नीचे चला जाता है, क्योंकि इसकी सिस्टम ही ऐसी है। तो होता क्या है, जब भारतीय सड़कों पर हम निकलते हैं तो आपको दोस्तों पता है यहाँ पे बम कैसे बनाए जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं, कभी कभी लंबे हो जाते हैं, तो इसको टेढ़ी करके निकालना पड़ता है, क्योंकि नीचे टच हो जाता है। हालांकि इसमें नीचे एक प्लेट दी जाती है, लेकिन फिर भी रिस तो रहता है और डर लगता है। साइलेंसर अगर टूट जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो क्या
खर्चा तो करना पड़ेगा, वो थोड़ा टेंशन में दे देता है। और आगे मैं आपको इसकी बात करूंगा, तो जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन इसको आपको केयर करना पड़ता है, यानी कि धूप में इसको नहीं रख सकते हो। इसके जो इंटीरियर पार्ट्स है वो अगर धूप में ज्यादा पड़े रहते हैं तो खराब हो जाते हैं और कलर भी डल हो जाता है गाड़ी का। तो इसको आपको पार्किंग के लिए भी स्पेशल कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, सेट में रखना पड़ेगा। जहाँ भारत में खास करके यहाँ पे गुजरात में अब गर्मी पड़ती है 44-45 तक, तो गाड़ी पूरे दिन धूप में आप नहीं रख सकते हो। फिर क्या होगा कि जब निकालोगे तो पता चलेगा कि यार ये तो खराब हो गया, चलो कंपनी में जाते हैं पूछते हैं क्या खर्चा है, और बिल आएगा तो ओहो हो, इससे तो बढ़िया है इसको पहले ठीक से रखा होता। तो ये थोड़ी बातें थी, और मैंने जो बातें बताई दोस्तों इसमें यही है कि मैंने पसंद, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है, मुझे क्यों पसंद आती है। मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में, हाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आगे कभी भी गाड़ी चेंज करूंगा तो BMW का तो शौक रहेगा, और BMW एक में जरूर लूंगा। वो तो होता है जब आप चलाते हो तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और मैं कहूंगा कि अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, हाँ अगर सॉफ्ट ड्राइविंग आपकी गाड़ी है, आपको पीछे बैठना है तो ड्राइवर रखिए, मर्सिडीज ले लीजिए, ऑडी ले लीजिए, लेकिन खुद को चलाना है, ड्राइवर की सीट में बिहाइंड द व्हील रहना है, देन यू शुड गो फॉर BMW। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। और एक बात और दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के बाद जो आपके फीडबैक आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टॉपिक भी दीजिए ताकि उन पर मैं वीडियो बना सकूं, मुझे भी पता चले आपको क्या चाहिए। होप ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसमें कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।